सनसनी ऑफ इंडिया। जुए में हारे मात्र 70 रुपए के चक्कर में अपने गांव के दोस्त की हत्या कर फरार आरोपी को कोटला मुबारकपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लोहे की रॉड से पीड़ित का सिर फाड़ दिया था। आरोपी की पहचान गांव कासरौर थाना पूर्वा जिला उन्नाव यूपी निवासी 32 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर अपने गांव उन्नाव में जाकर छुप गया था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से लोकेशन ट्रेस करके आरोपी को धर दबोचा। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड बरामद कर ली गई है। साउथ दिल्ली डीसीपी बेनिता मैरी जैकेर ने बताया कि दिनांक 13 दिसंबर 2021 को थाना कोटला मुबारकपुर में झगड़े में एक व्यक्ति की मौत को लेकर एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। इमीडिएटली एएसआई सुरेंद्र सिंह टीम के साथ घटनास्थल वजीर नगर बीपी कोटला मुबारकपुर पहुंचे। मौके पर एक व्यक्ति काफी गंभीर हालत में पड़ा मिला। घायल की पहचान 30 वर्षीय दीपू के रूप में हुई। पीड़ित दीपू पर हमला करने वाला आरोपी मौके से फरार था। घायल दीपू को पुलिस टीम तुरंत ही अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में दिनांक 14 दिसंबर 2021 को थाना कोटला मुबारकपुर में एफआईआर संख्या 496/2021 अंडर सेक्शन 302 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। साउथ दिल्ली डीसीपी बेनिता मैरी जैकेर ने बताया कि फरार हत्यारोपी को दबोचने के लिए अरुण कुमार एसीपी डिफेंस कॉलोनी की सुपरविजन और विनय त्यागी एसएचओ थाना कोटला मुबारकपुर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुनील दागर, एएसआई संदीप सैनी, एएसआई शिवदत्त और कांस्टेबल विपुल की एक टीम का गठन किया गया। आरोपी की पहचान के लिए जांच टीम ने सबसे पहले वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया। क्राइम स्पॉट के रूट को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से एनालिसिस किया गया। आखिरकार जांच टीम की मेहनत रंग लाए। सीसीटीवी फुटेज व अन्य तरह की जांच से आरोपी की पहचान धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई। मोबाइल सर्विलांस से पता लगा कि आरोपी उन्नाव में छिपा हुआ है। टीम को उन्नाव गांव के लिए रवाना किया गया। उन्नाव गांव में टीम ने आरोपी को दबोचने के लिए उसके रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी की। पुलिस टीम ने आरोपी 32 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह को उन्नाव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वहां पर खेतों के बीच बनाई गई झोपड़ी में छिपा हुआ था। आरोपी को दिल्ली लाया और उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड बरामद कर ली गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि घटना वाले दिन यानी 13 दिसंबर को ये टेम्पो में जुआ खेल रहे थे। आरोपी जुए में 70 रुपए हार गया था। उसने पीड़ित दीपू से पैसे वापस मांगे तो इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। शुरू में दोस्तों ने इनको अलग कर दिया, मगर कुछ देर बाद धर्मेंद्र सिंह लोहे की रॉड लाया और दीपू के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए थे। इससे दीपू का सिर बुरी तरह फट गया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।